हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग एलोन क्रैश कोर्स 2025 में मैथमेटिक्स का निश्चित समाकलन से सवाल देखेंगे। आज का हमारा सवाल है मान निकाले। क्या करें हमारा क्वेश्चन? मान निकाले समाकलन 0 से π/4 साइन एक्स बटे कॉस 3x प्लस 3 cos x dx। ये जो क्वेश्चन है आपको 2010 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग समाकलन करने के लिए या मान निकालने के लिए जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। कितना हमारा दिया हुआ है? दिया हुआ समाकलन 0 से π/4 0 to π/4 साइन एक्स बटे में कॉस 3x प्लस 3 cos x dx। अब हमारा फॉर्मूला होता है कॉस 3x। कॉस 3x का फॉर्मूला होता है हमारा 4 cos 3x माइनस 3 cos x। तो हम लोग कॉस 3x पहले तो हम लोग लिखेंगे समाकलन 0 से π/4 साइन एक्स हमारा ऊपर जो काते होगा। कॉस 3x को हम लोग लिख सकते हैं 4 cos 3x माइनस 3 cos x। कॉस 3x का फॉर्मूला हमारा हुआ और प्लस में कॉस 3x हमारा पहले से दिया हुआ है। तो क्या लिखे हम लोग? प्लस 3 cos x। 3 cos x हमारा क्या है? पहले से दिया हुआ है। ये dx तो होगा ही, 3 cos x से 3 cos x हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना हमारा समाकलन 0 से π/4 साइन एक्स बटे में 4 cos 3x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 को हम लोग बाहर निकाल ले, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? 1/4 समाकलन 0 से π/4 और साइन बटे कॉस। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू, यहां क्यू हमारा है तो 1/cos²x dx। इतना आप लोग लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा हमारा? 1/4 तो जो का तो रहेगा, तो 1/4 समाकलन 0 से π/4 साइन बटे कॉस हमारा क्या होता है? टेन एक्स। क्या लिख सकते हम लोग? टेन एक्स। और 1/cos हमारा होता है sec। तो यहां cos स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं sec²x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन एक्स को मान लेंगे। टेन एक्स बराबर जेड माना, टेन एक्स बराबर क्या किए? जेड माने। तो टेन का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sec²x dx बराबर dz। sec²x dx का अपन लोग क्या लिख सकते हैं? dz। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 समाकलन 0 से π/4 जेड। टेन एक्स को हम लोग जेड माने और sec²x dx को हम लोग dz, इतना लिख सकते हैं। अब क्या होगा हमारा? ये हमारा x के पावर n वाला फॉर्मूला पर आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 और ब्रैकेट देंगे z^1 + 1/1 = 0 से π/4।
ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4 जेड स्क्वायर बाय टू जीरो से पाई बाय फोर। अब जेड हम लोग कितना को माने हैं, तो जेड हम लोग क्या माने हैं टैन एक्स। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 टैन स्क्वायर एक्स बाय टू जीरो से पाई बाय फोर, इतना होगा हमारा। अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाले, ये तो हमारा माना हुआ है, तो क्या होगा 1/4 तो रहेगा ही, और ये हमारा हो जाएगा ऊपर ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं टेन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस, ये हमारा टेन जीरो है, टेन स्क्वायर जीरो। अब टेन पाई बाई फोर हमारा अब बाय टू, इस टोटल के बटा में क्या होगा, इसके बटा में दो और इसके बटा में भी दो। टेन पाई बाई फोर हमारा एक होता है मान, कितना हो जाएगा हमारा इसका मान 1/4 1/2 माइनस टेन जीरो हमारा जीरो होता है तो 0/2, यह हो जाएगा हमारा 1/2 1/4 गुने, ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा हमारा, बचेगा हमारा 1/2, निकल के हमारा 1/8, ये हमारा क्या निकल के आया 1/8, इसका मान निकल के आया किसका 0 से π/4 साइन एक्स कॉस 3x प्लस 3 cos x dx का मान हमारा निकल कितना आया 1/8। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।